बोली अला आओ फकीर बानी अला सुन संदो चलेड़ो पाए भला तू जानी अला सुन संदो चलेड़ो पाए भला तू जानी जेके सोनी मुंडी ची चमे लाजिन मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं एपीएल कराची। लाजिन आज हम मौजूद हैं चक्रा रोड पे। कल चक डे के हवाले से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। पीटीआई के जो है वहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं, एमएलए आ चुके हैं, हमारे एमपी आ चुके हैं। अक्सर हमारे साथ मौजूद है, सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये कल्चर डे के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और इसको कवरेज दे रहे हैं। अच्छा जी, कल्चर डे के हवाले से जैसे कि आप केलम में हैं कि हम खुद सिंध में रहते हैं और हम खुद सिंधी हैं और हम भरपूर तरीके से हर साल कल्चर डे बनाते हैं और हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में भी, कोरोना के होते हुए भी हम कल गवर्नर हाउस में कल्चर डे बना रहे हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिंध के अवाम को भरपूर तरीके से कल्चर डे मना रहे हैं, खासकर भी पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कौमी मूवमेंट के लोगों को, तो उन्होंने अच्छा प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद किए हैं यहाँ पर। मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह इससे बढ़ चढ़ कर हम कल्चर डे बनाएंगे। इस साल तो कोरोना की वजह से अच्छा ना बना सके, आने वाले दौर में इंशाल्लाह कोरोना नहीं होगा तो और इससे बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह अच्छा बनाएंगे। शुक्रिया गौर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज सिंध कल्चर डे है, ये मीठी बोली सिंध के लोग, चाहे वो सराई की हो, पंजाबी हो, बलोची हो, फटान हो, वेलकम करते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग उजागर करने के लिए जो पूरे अहबाब के लोगों को टेक केयर करता है, चाहे वो रेवेन्यू की हो, तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को। और ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक कल्चर डे होता है, जब सकाफत होती है किसी भी उसकी, तो इसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि जो सिंध में रहने वाला है वो सब सिंधी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। राजा अजहर साहब भी आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कल्चर डे के हवाले से मनाया जा रहा है। राजा साहब से हम पूछते हैं क्या कहते हैं आज इस प्रोग्राम के बारे में। मैं सबसे पहले तो स्टेज पर मौजूद तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ अपनी अपनी नशीस पर बैठ जाए ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। हमारे मरकजी पाकिस्तान के कायद सिंध में रहते हैं, मरकजी कन्वीनर जनाब तारिक महमूद साहब हम तमाम समझते हैं कुछ ही लम्हों उनको हमारे दरमियान होंगे। ईद से कम अपने कारकुनान हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मेरी गुजारिश है कि जितने भी तमाम पाकिस्तानी मेहमानों के सामने जो कारकुनान खड़े हुए उनसे गुजारिश है कि पीछे नशिस्तों पर चले जाएं हम कल्चर डे को जो है वो इंशाल्लाह कल्चर डे के तौर पर मनाएंगे। बहुत शुक्रिया राजा। सर आप लोगों ने एक जमात बनाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक उसका नाम रखा, पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कौमी मूवमेंट। क्या सोच के आपने ये पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कौमी मूवमेंट बनाया? उसकी वजह ये थी कि आज की जो पहले सियासत थी वो इबादत थी, आजकल सियासतदानों ने सियासत को कारोबार बना लिया था। कोई सिंध के नाम पे लोगों को लूट रहा है तो कोई पंजाब के नाम पे लूट रहा है, तो कोई बलूचिस्तान के नाम पे लूट रहा है, तो कोई पंजाब के नाम पे लूट रहा है, कोई केपीके के नाम पे लूट रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिंधी भी है, बलोच भी है, पठान भी है, पंजाबी भी है, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं बनना चाहता। हमारी जो बदकिस्मती है ये, तो हमने ये सोचकर ये पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कौमी मूवमेंट का नाम ही इसलिए रखा है कि हमने सब ने मिलकर हमने ये फ़र्क जो है वो ख़त्म करना है, हमने ये लिसानियत के जो लफ्ज़ है वो ख़त्म करने हैं कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये बलोची है, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा घर है और इस घर को बचाने के लिए हम सब मुतहद हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जमालो वह जमालो।